Hello students, good morning. Today I am going to tell you your exercise chapter number 12. ये हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो आपका इससे रिलेटेड होगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रीपोजिशन क्या होते हुए कौन से वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं. तो सबसे पहली बात, जो प्रीपोजिशन होता है ये हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है या फिर कौन सा व्यक्ति कहाँ पे है. बस इसमें प्लेस से रिलेशनशिप को दिखाता है कि मतलब जगह बताता है किसी भी चीज़ का, कोई वस्तु हो, पर्सन हो, एनीथिंग. तो ये प्लेस से रिलेट करता है. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन. ये वर्ड कौन कौन से हैं आप देख सकते हो. फर्स्ट हमारा इन, उसके बाद ऑन, अंडर और बिहाइंड. ये चार वर्ड्स हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है. एंड देखिए देखिए क्या बता रहे थे, डिस्क्राइब अ प्लेस रिलेशनशिप. ये मतलब प्लेस का रिलेशनशिप बताता है उस व्यक्ति से, उस वस्तु से कि हाँ अगर कोई चीज़ छत पे, बस ये समझ लीजिए कि हम वो प्लेस से रिलेशन बताता है कि मान लीजिए अगर एक कप है तो वो ट्रे के अंदर है या ऊपर है, या फिर एक मान लीजिए कैट है तो वो कहाँ है, टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है. तो जैसे कि द कैट इज़ ऑन द टेबल या फिर द कैट इज़ अंडर द टेबल, ये चीज़ें वो बताता है. तो यही जो वर्ड्स हैं ये क्या है हमारे, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं या भी आपको इतने ही जानने की जरूरत है, वो ओवर वगैरह रहता है. तो ये आप जान लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा व्यक्ति, प्लेस, एनिमल, एनीथिंग, प्लेस नहीं, किस प्लेस पे है, ये चीज़ें वो बताता है. तो वही हमारा प्रीपोजिशन होता है. तो आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कितनी बार बताया कि ये रिलेट करता है प्लेस से, किसको, नाम को. तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे. तब तक आप लोग उसे खुद से करने की कोशिश कीजिए. ओके, थैंक यू.